कॉलेज में कंपनीज आ नहीं रही हैं, अगर तुमने किसी कंपनी में ऑफ कैंपस भी अप्लाई करने का ट्राई किया है तो या तो तुम्हें अभी तक रिप्लाई नहीं आ रहे हैं या फिर तुम सीन जोन हो जा रहे हो, तुम्हारे मेल्स का रिप्लाई नहीं कर रहा है कोई, एंड आधे से ज़्यादा टाइम पे ओपनिंग्स भी नहीं मिल रही हैं बहुत सारी कंपनीज में, राइट? एंड काफ़ी कंपनीज ने हायरिंग फ्रीज लगा रखा है, लेऑफ्स पे लेऑफ्स तो हो ही रहे हैं. सो बहुत वियर्ड सिचुएशन है एंड इट्स नॉट अ वेरी गुड सिचुएशन टू बी ग्रेजुएटिंग इन, या फिर अगर आप ऑलरेडी ग्रेजुएट हो चुके हो, जॉब सर्च कर रहे हो. सो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है ये वाला टाइम. अब बहुत सारे डाउट्स आ रहे होंगे कि टेक में इतने सारे लेऑफ्स क्यों हो रहे हैं. अब मैं एक अगर फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ, थर्ड ईयर स्टूडेंट हूँ, या फिर मैं ऑलरेडी ग्रेजुएट हो चुका हूँ 2022 में, 3 में मेरे को जॉब स्विच करनी है, तो क्या करना चाहिए, किन स्किल्स पे ध्यान देना चाहिए, कौन सी जॉब लेनी चाहिए? अगर मैं 3LPA वाली मेरे को कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, 2.5 वाली मिल रही है, 4 वाली मिल रही है, तो क्या मेरे को लेनी चाहिए? शुड आई जॉइन दैट और नॉट? तो इन सारी चीज़ों के बारे में इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं. हाय गाइस, आई एम निशांत चाहर एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो. करंट हायरिंग सिनेरियो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है यार, अगर तुम ऑनेस्टली सुनना चाहो. सो बीच में कोविड के टाइम पे ना बहुत ज़्यादा अंधी हायरिंग हो रही थी. इसका क्यों, क्या रीज़न था पर्टिकुलरली? बिकॉज टेक वॉज बूमिंग वेरी मच एंड बहुत सारी कंपनीज को, बहुत सारे स्टार्टअप्स को पैसे मिल रहे थे, फंडिंग मिल रही थी, बिकॉज टेक वॉज बूमिंग, एवरीथिंग वॉज मूविंग टूवर्ड्स टेक. एंड जब ज़्यादा फंडिंग मिलती है तो ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन होता है, लोग अपनी कंपनीज अपने नए नए प्रोडक्ट लाइंस बना रहे थे, नई नई जगह एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे थे, उसके लिए बहुत सारे टैलेंट हायर कर रहे थे, बहुत सारे लोगों को हायर किया जा रहा था, राइट? एंड ये देख के हमारी सबकी एक्सपेक्टेशंस ऐसी हो गई थी कि यार अब तो बस यही है जो है, इसी से हम स्टार्ट कर रहे होंगे. बट दैट्स नॉट द रियलिटी, बिकॉज बिफोर कोविड जो नॉर्मल सिनेरियो था वो वैसा या उससे बेकार ही है करंटली. तो बट थिंग्स विल गेट बेटर लाइक दैट एंड वो सब होने वाला होगा. बट अभी क्या करना है, अभी क्या करें? अभी मैं एक फ्रेशर हूँ, अगर मैं अभी एक थर्ड ईयर में हूँ, फोर्थ ईयर में हूँ, या फिर मैं ग्रेजुएट हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ, सो व्हाट आई शुड डू? ठीक है, हायरिंग सिनेरियो का आप लोगों को समझ आ गया है कि जॉब्स तो हैं बट बहुत ज़्यादा जॉब्स नहीं है, सब लोगों को एक्सपीरियंस चाहिए. अब ये हो गया है कि एंट्री लेवल जॉब्स कंपेरेटिवली कम हो गई है, सब लोगों को थोड़े मिड लेवल से सीनियर लेवल इंजीनियर्स चाहिए, बिकॉज एक सीनियर लेवल इंजीनियर, एक लेवल इंजीनियर एटलीस्ट दो आपके जो जूनियर इंजीनियर्स होते हैं उनका काम कर देता है एंड ज़्यादा एफिशिएंट है, कंपनीज को सिखाने में टाइम नहीं लगाना पड़ रहा है एंड पीपल आर ऑलरेडी ट्रेंड. सो लोग एक्सपीरियंस लोगों को रीच आउट कर रहे हैं, लोगों की जॉब लग भी रही है अभी भी, बट फ्रेशर्स के लिए थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रखा है इस टाइम पर. अब फैंग एक जॉब एस्पिरेशन बहुत अच्छा है, जितनी भी हाई पेइंग जॉब है, 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, वो सब इज़ गुड, आपको एस्पायर करना चाहिए, आपको वो ड्रीम करना चाहिए कि मेरे को यार ऐसी जॉब चाहिए अगर आपको जॉब करनी है तो. बट इस टाइम पे ऑनेस्टली हाई पेइंग जॉब्स कंपेरेटिवली काफ़ी कम हो गई हैं, फ्रेशर्स के लिए तो बहुत ज़्यादा कम हो गई हैं. पहले इसलिए ज़्यादा होती थी बिकॉज एक्सपेरिमेंटेशन वाला फेज, जैसे मैंने आपको बताया, फंडिंग मिल रही है तो लोगों ने बहुत ज़्यादा हायर करने लग गए, बिकॉज कोड करना आता है फ्रेशर्स अगर कोई आ रहा है, बट वो डिज़ाइन इतना अच्छा नहीं कर पाते हैं, राइट? उन लोगों को और टेक्निकल डिटेल्स, टेक्निकल चीज़ों के बारे में नहीं पता होता, बट दे आर रेडी टू कोड, कुछ भी आप उनको दोगे तो वो कर देंगे. बट करेंटली वो सारी चीज़ें हैं ही नहीं, बिकॉज एक्सपेरिमेंटेशन बहुत ज़्यादा कम हो गई है, फंडिंग कम हो गई है, अब 2-3 चीज़ें, 4 चीज़ों पर ही कंपनीज अपना काम कर रही हैं, उन्हीं को ग्रो करने का ट्राई कर रही हैं, इसलिए जो एक्सपेरिमेंटेशन वाली चीज़ थी वो कट ऑफ होती जा रही है. अब एक तुम्हारे दिमाग में डाउट हो गया, अगर सबसे ज़्यादा टेक में ही क्यों ले ऑफ हो रहे हैं, बिकॉज सबसे ज़्यादा हायरिंग भी टेक में ही हुई थी एंड टेक वाले लोग सबसे ज़्यादा पेड भी होते हैं कंपेरेटिवली एक कंपनी में, अगर तुम एंट्री लेवल पोजीशन की बात करोगे या फिर मिड लेवल पोजीशन की बात करोगे. सो पीपल इन टेक आर पेड लाइक एवरेज आउट मोर देन अदर फील्ड्स. किसी भी और फील्ड में आप जाओगे, अगर आप एक नॉन टेक फील्ड को कंपेयर करोगे टेक से, तो टेक वालों की ज़्यादा सैलरीज होती हैं. सो दैट्स द रीज़न, अगर सबसे पहले कट ऑफ करना पड़ेगा, अगर कॉस्ट कट करनी है तो वहीं से कट हो रही होती है. एंड सो प्रॉफिट्स होता है क्या एक्चुअली, जो आपका रेवेन्यू आ रहा है उसमें से जो आपकी करंट कॉस्ट है उसको कम कर दोगे तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा. अब कंपनीज का रेवेन्यू तो नहीं इंक्रीज हो पा रहा है, सो व्हाट दे आर डूइंग इज कि वो अपने एक्सपेंसेस को कम करते जा रहे हैं, एक्सपेंसेस को कम करने के लिए वो लेऑफ्स कर रहे हैं, सो दैट देयर प्रॉफिट इंक्रीजेस. अगर उनका प्रॉफिट इंक्रीज नहीं होगा तो उनके स्टेक होल्डर्स को, शेयर होल्डर्स को फायदा नहीं होगा एंड एट द एंड ऑफ द डे दे आर ओनली अकाउंटेबल टू देयर शेयर होल्डर्स. उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है बिकॉज इट्स अ ट्रांजैक्शनल नेचर. आप किसी जगह पे जॉब कर रहे हो, आपको पैसे मिल रहे हैं, आप अपना टाइम ट्रेड कर रहे हो विद मनी, राइट? इट्स नॉट कि द कंपनी इज अकाउंटेबल टू यू कि आपको लेऑफ कर दिया. सो इस चीज को तो अपने दिमाग में डाल लो कि इट्स ऑलवेज अ ट्रांजैक्शनल नेचर. जो ये होता है कि हाँ ये कंपनी मेरी फेवरेट है कि मेरे को हमेशा यहाँ पे रहना, रियल वर्ल्ड में ऐसा कुछ नहीं होता. एंड एक और चीज़ है यार, बच्चों को ना फोमो बहुत होता है जब वो लिंक्डइन खोलते हैं, तो लिंक्डइन पे मोस्टली सक्सेस स्टोरीज दिखते हैं, कोई अपनी फेलियर स्टोरीज तो लिंक्डइन पे शेयर नहीं करता है. लिंक्डइन खोलते ही आपको दिखता है कि इसकी भी जॉब लग गई, उसकी भी जॉब लग गई, बट वो बहुत ज़्यादा लोग नहीं है. एंड उस चीज़ को छोड़ो बिकॉज इट्स नॉट अ मल्टीप्लेयर गेम. ठीक है, मैंने कहीं सुना था कि हम ना अपने आप को मल्टीप्लेयर गेम की तरह कंपेयर करने लग जाते हैं, दूसरों को बहुत सारे लोगों से कंपेयर कर रहे हैं, आसपास वालों से कंपेयर कर रहे हैं, बट इट्स एक्चुअली अ सिंगल प्लेयर गेम. तुम्हारी लाइफ है, ठीक है, तुम मेन कैरेक्टर हो अपनी
अपनी लाइफ के, तुम्हें अपने आप पे मेहनत करनी है, तुम्हें चीजों को वर्कआउट करवाना है। जो तुम्हारी सैलरी होगी तुम्हारी होगी, जितना तुम काम करोगे उससे जितना तुम्हें फायदा होगा तुम्हारा होगा। तुम अपने पेरेंट्स के बेटा या बेटी हो, ठीक है, तो डायरेक्टली उनको इफेक्ट पड़ेगा अगर तुम्हारे साथ कुछ भी होता है या फिर तुम खुश होते हो नहीं होते हो। सो थिंक अबाउट योर सेल्फ, अपने आप पे ज्यादा ध्यान रखो, अपनी हेल्थ पे, मेंटल हेल्थ पे, फिजिकल हेल्थ पे, बिकॉज ये टाइम तो बुरा है ही। मेंटल हेल्थ हिट होती है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, आपको लगता है कि यार पता नहीं मैं किसी काबिल हूँ कि नहीं हूँ, मैंने इतनी मेहनत करी बट फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। बट बस ये तुम्हारे साथ नहीं हो रहा है, आसपास सबके साथ हो रहा है, ठीक है। एंड थिंक अबाउट इट कि यार मैं कर लूंगी, बस अपने पे ध्यान रख दो और मेहनत करते रहो। थिंक ऑफ इट एज अ सिंगल प्लेयर गेम, कंपेयर करना बंद करो। जितना ज्यादा कंपेरिजन करोगे उतना ज्यादा बुरा फील होने लगेगा, नहीं वो लगेगा कि यार इसका भी हो गया, उसका भी हो गया, मेरा नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, एंड कहीं कोई फायदा नहीं होता। मैंने भी सेम चीज करी थी इंटर्नशिप के टाइम, आसपास देख के जेलस होता रहता था, देखता रहता था यार इसकी भी लग गई, ऐसा लग गया, वैसा लग गया। बट आफ्टर एन ईयर और टू आई रियलाइज कि यार फर्क नहीं पड़ता, मतलब इफ दे आर समवेयर दे'ल डू इट फॉर देमसेल्व्स, मेरे को नहीं फर्क पड़ेगा। एंड क्यों फर्क पड़ेगा, राइट? वो अपने लिए कर रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं, मेरे को तो नहीं फर्क पड़ेगा उस चीज से। सिमिलरली आपको भी नहीं फर्क पड़ेगा उस चीज से, राइट? अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि करना क्या चाहिए, देखो यार, स्टार्ट समवेयर। अगर आपको 2.5 लाख की मिल रही है, 3 लाख की मिल रही है, ले लो, ठीक है। अब वो पुराने वाला जमाना है नहीं कि कंपनीज थाली लेके आपके पास खड़ी है कि लो ये जॉब, इसमें से जो चूज करना है कर लो, ऐसा नहीं हो रहा है। केयर सिटी है कंपेरेटिवली, बट स्टिल 3-4 लाख वाली जॉब्स हैं अवेलेबल मार्केट में, 25,000-30,000 वाली हैं। ट्राई टू गेट समथिंग, बिकॉज अगर आपको एक बार जॉब मिल गया ना, यू हैव एंटर्ड द टेक सर्किट, राइट? अब टेक में आ चुके हो, अब आप नई नई चीजें सीखोगे, आप नई नई चीजों पर काम करोगे, आपके पास रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स होंगे, अपने रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन पर काम किया होगा, आप एक्सपीरियंस गेन कर रहे होगे, राइट? अब एक्सपीरियंस फोक्स की ना लाइक बाद में जाके ना फनल छोटी होती जाती है। सो इनिशियली गेटिंग एट द फर्स्ट स्टेज, गेटिंग द SG1 वाली चीज इज डिफिकल्ट, ठीक है। जब आप SG2 बन जाते हो, थोड़ा आपके 2 साल का, 2.5 साल, 3 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, देन स्विचिंग इज कंपैरेटिवली इजियर, राइट? फिर आप लेऑफ भी हो गए, कंपनी ने निकाल भी दिया, कंपनी आपको छोड़नी पड़ गई, तो भी आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज आ जाती है। मैं एग्जांपल देता हूं, मेरा एक दोस्त था, ही रिसेंटली गॉट लेड ऑफ, एंड उसको 2 ऑफर आ गए थे 2 महीने के अंदर, बिकॉज उसके पास पहले से 3 साल का एक्सपीरियंस था, प्लस ही वॉज प्रिपेयरिंग फॉर दोज 1.5-2 मंथ्स। सिमिलर अगर सेम चीज किसी ऐसे बच्चे के साथ होती जो अभी बस फ्रेशर है, जो 2024 में ग्रेजुएट होने वाला है, कॉलेज में ऑफर मिला था बट वो रिवोक हो गया, तो फिर इंटरव्यूज लेना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता, तो फिर वो जॉब क्रैक करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता। सो गेट अ जॉब, ठीक है, गेट अ जॉब जैसी भी मिल रही है, बिकॉज कुछ तो सीख ही रहे होगे। एंड दूसरी चीज सबको ये होती है यार, 3 लाख वाली जॉब में तो काम बहुत कराया जाता है, भाई काम तो कराया जाएगा ही, तुम कहीं पे भी चले जाओ, 3 में चले जाओ, 30 में चले जाओ, ऐसा कुछ नहीं होता कि काम नहीं कराया जाता है। जो यूट्यूब पे 10 मिनट वाली डे इन अ लाइफ होती है, जो मैं दिखाता हूँ या फिर कोई भी दिखाता है, उसमें सारी चीजें नहीं दिखती है। आप 24 घंटे को 10 मिनट में वैसे भी जो कंसाइज डाउन करोगे, आप अच्छी चीजें ही दिखाओगे, बट यू हैव टू वर्क, काम तो करना ही पड़ेगा, ये सच्चाई है। तो इस चीज के तो उसमें मत रहो वहम में कि भाई 30 लाख वाली जो नौकरी होती है उसमें काम नहीं करना पड़ता, काम सब करते हैं। सो उस चीज को अपने दिमाग से निकाल दो एंड स्टार्ट समवेयर, गेट योर फर्स्ट जॉब। एंड सपना जरूर बड़ा रखो यार, बट स्टार्ट समवेयर, ग्रेजुअली 1 साल 2 साल 3 साल हो जाएगा। बिकॉज मैंने इतने सारे अपने चैनल पे भी पॉडकास्ट बनाए हुए हैं, मोस्ट ऑफ देम स्टार्टेड विद 2 LPA, 2.5 LPA, 3 LPA, एंड दे वर एबल टू शिफ्ट टू 25, 30, 40 इन लाइक 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, बट इवेंचुअली यू कैन गेट अप टू देयर, यू कैन गो देयर, राइट? क्योंकि इतनी सारी सक्सेस स्टोरीज ऑलरेडी हैं, बिकॉज लोगों ने ट्राई किया, लोगों ने वो चीज सीखी है, लोगों ने सिस्टम डिजाइन सीख लिया, लोगों ने फिर DSA सीख लिया, या फिर जिस टेक्नोलॉजी में वो काम कर रहे थे, फॉर एग्जाम्पल फ्रंट एंड में, तो फ्रंट एंड में चैंप बन गए, राइट? तो जो भी चीज कर रहे हो अच्छे से करो एंड ट्राई टू बी गुड एट इट, ट्राई टू बी द बेस्ट एट इट। आपको चीजें पता होनी चाहिए तो अपॉर्चुनिटीज आपको मिल जाएंगी। इट्स नॉट अ 0 और 1 गेम कि अभी हो गया तो हो गया, इसके बाद तो कभी होगा ही नहीं। वो बचपन में IIT JEE वाली कोचिंग में जो सिखाया जाता है ना, वो नहीं होता है कि अगर IIT नहीं हुआ तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर IIT हो गया तो भी सक्सेसफुल होने का ऐसे कंफर्म नहीं होता कि हो ही जाओगे तुम। जो 1 करोड़ का पैकेज हम देखते हैं, जो न्यूज़पेपर्स में आता है, हर जगह दिखाया जाता है, वो पूरी लाइक IIT सब IIT में मिला के लाइक 15 या 20 लोगों को मिल रहा होता है, मैक्स टू मैक्स तुम मान लो 25 लोगों को मिल रहा होता है, एंड टोटल IIT में 10,000 लोग हैं। अब परसेंटेज कैलकुलेट करके देखो वो ऑलरेडी कितना कम है। IIT का भी जो एवरेज पैकेज होता है वो भी 10-12 लाख रुपए ही होता है, एंड अच्छे NIT कॉलेजेस वगैरह का भी अगर देखो वो भी इसी रेंज में होता है। दैट मीन्स इफ दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम देयर, दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम 8-9, सो कोई प्रॉब्लम है नहीं 5-6-7 जितना भी मिल रहा है उससे स्टार्ट करने में, राइट? एंड हर रोल पे ना इवेंचुअली एक कैप होता है, ऐसा नहीं है कि अगर किसी बंदे ने 6 पे स्टार्ट किया है तो वो 6 करोड़ पे पहुंच जाएगा एंड में, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इफ यू विल पुट इन मोर एफर्ट आप उससे भी ऊपर जा सकते हो। सो इस चीज से बस ये देखो कि लाइफ इज नॉट 0-1, हुआ या नहीं हुआ नहीं होता, स्टार्ट समवेयर एंड बस शुरू कर दो एक बार। एंड आई एम टेलिंग यू इट इज मच 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 इजियर टू गेट इन टू एनी कंपनी आफ्टर 1-2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, बिकॉज कंपनीज आर रेडी टू लिसन टू यू, बिकॉज यू हैव सम एक्सपीरियंस ऑन योर रेज्यूमे, यू हैव एक्सपीरियंस ऑन योर प्रोफाइल, आपने एक्चुअली
काम किया हुआ होगा तो चीजें और ज्यादा आसान हो जाती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि व्हाट डू वी हैव टू डू। अब ठीक है, मैं शुरू तो कर लेता हूं, मैं जॉब ले लूंगा जो भी मिल रही है, ठीक है, तो क्या करना चाहिए। अब ये डिपेंड करता है आप कौन से कॉलेज में हो अभी करंटली। अगर आप एक टीयर वन टीयर टू कॉलेज में हो तो डू डीएसए एंड डेव बोथ। अगर आप एक टीयर टू टीयर थ्री कॉलेज में, अपने सीनियर से पूछो वो कहां पे गए हैं, उन्होंने कैसी जॉब करी है, उन्होंने क्या चीजें सीखी थी, कैसे उनको जॉब मिली है, उनसे सीखो, बिकॉज वो आपके डायरेक्ट आपको बता पाएंगे। अगर आपके कॉलेज में कोई सीनियर है ही नहीं जो आपकी हेल्प कर सकता है, देन व्हाट यू हैव टू डू इज लाइक ट्राई टू फाइंड जॉब्स जो 25-30 हज़ार आपकी सिटी में ही हो, कहीं से आपको एक्सपीरियंस मिलना शुरू हो जाए। बाकी देयर आर सो मेनी जॉब्स 25-30 हज़ार वाले टेक वाले, उनको बस ये चाहिए होता है कि आपको थोड़ी प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, थोड़ा बहुत आप काम कर सकते हो, डेटा बेस में से डेटा फेच कर लिया, कोई एक कॉम्पोनेंट उसको रेंटर कर पा रहे नहीं कर पा रहे, ये सारी चीजें अगर आपको आती है तो आपको जॉब मिल जाएगी। जो 1 लाख पर मंथ वाली जॉब है ना, वहाँ पे कॉम्पिटिशन ज्यादा है, 25-30 हज़ार वाले में इतने ज्यादा लोग नहीं जा रहे हैं, लोगों को तो बस सबको 4 करोड़ का ऑफर ही चाहिए, उससे नीचे कोई देखना ही नहीं चाहता है, तो ठीक है स्टार्ट करो। एंड डीएसए डेव डिपेंड्स कि अभी आप कौन से सिचुएशन में, अगर आप टीयर वन कॉलेज में हो, अगर आप आईआईटी एनआईटी या किसी अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में हो, या फिर किसी टीयर टू टॉप टीयर टू कॉलेज में भी हो, तो भी आपको डीएसए डेव कर लेना चाहिए। आई थिंक दोनों करोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके चांसेस कंपेटिवली ज्यादा हो जाते हैं। एंड अगर आप किसी टीयर थ्री कॉलेज में हो तो बस वो डीएसए वाली बेट मत खेलना कि यार अमेजोन आएगा पूल हायरिंग करेगा, फिर मैं अमेजोन में अप्लाई करूंगा, गूगल में अप्लाई करूंगा, मेरा हो जाएगा, बहुत कम प्रोबेबिलिटी होती है वो चीज की। एंड डेव करना वुड बी बेटर, बिकॉज आप एटलीस्ट किसी स्टार्टअप में जॉब तो ले पाओगे। एंड बस पूरे सिनारियों में आप सर्वाइव कैसे करोगे, सर्वाइव करने के लिए यार कीप अप स्किलिंग। अगर एआई आ जाता है तो आपको एआई वाली चीजें भी सीखनी पड़ेंगी, क्योंकि एआई से आपकी जॉब नहीं जाएगी, एआई को आपको यूज करना सीखना पड़ेगा। यू विल हैव टू लर्न प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, एक्चुअली मैं एआई को यूज करके कैसे अपना काम करूं। इवन इन माइक्रोसॉफ्ट वी आर टोल्ड कि यार तुम लोगों के पास इतने रिसोर्सेज हैं, तुम्हें चैट जीपीटी का एक्सेस है, तुम्हारे पास कोपायलट का एक्सेस है, इन सब चीजों को यूज करो एंड ट्राई टू बी मोर एफिशिएंट, राइट। हमें हर चीज में कोपायलट मिलने लग गया है, टीम्स में भी कोपायलट है, तुम्हारा आउटलुक में भी कोपायलट है, जहां जाओगे वहां को पायलट है, तो उनको यूज करो। सेम इज विद यू, यूज करना सीखो, कैसे यूज कर सकते हो, फ्री वर्जन्स जो हैं अवेलेबल उनको यूज करना सीखो, उनसे अपना थोड़ा बहुत काम करवाना स्टार्ट करो एंड लाइक कीप अप स्किलिंग। कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है उस पर ट्राई करो, सीखो एंड साथ साथ बिल्ड करते रहो। यार मैंने भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जहाँ पे मैंने तुम्हें वो 1 लाख पर मंथ 1 लाख+ पर मंथ वाली चीज़ बोली हुई है। इसके साथ साथ बहुत सारे वीडियोस में मैं फैंग के लोगोज यूज करता हूँ, मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि व्हाई डू आई डू ऑल दिस। एक तो वो 1 लाख पर मंथ वाली जॉब का एस्पिरेशन रखना बिल्कुल सही है, बट करंट मार्केट सिचुएशन जो है, करंट हायरिंग सिचुएशन जो है, उसको देखते हुए आई एम सेइंग कि टेक वट एवर जॉब यू आर गेटिंग, बिकॉज इट्स नॉट अ शॉर्ट टर्म गेम। 100 मीटर स्प्रिंट तो है नहीं, लॉन्ग टर्म गेम है, मैराथन है, तुम्हें 30-40 साल तक सेम चीज़ करनी है एंड एक टाइम के बाद यू विल ऑल बी एट द सेम लेवल। अगर तुम्हारा कोई दोस्त है जो 12 से शुरू कर रहा है, तुम अगर 3 से शुरू कर रहे हो, सो आफ्टर 5-6 years यू विल ऑल बी एट द सेम लेवल, राइट। ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, वो 10,000-5,000 per month का डिफरेंस बचेगा बाद में आगे जाके तुम्हारे लिए। सो इस चीज़ की टेंशन बिल्कुल मत लो, राइट। एंड टीयर वन सिटी में जाके, बैंगलोर हैदराबाद में जाके ज़रूरी नहीं है तुम्हें वो 25,000-30,000 per month वाली जॉब लेनी है। बहुत सारी टीयर टू सिटीज़ हैं जहाँ पर टेक का काम हो रहा है एक्सपीरियंस के लिए, तो वहाँ पर भी जा सकते हो। एंड लाइक यू आर ओनली अ सिंगल पर्सन, तुम्हारे पास उसके अलावा ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज अभी करंटली नहीं होंगी, फैमिली को छोड़ के। हो सकता है आपके पास ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों, बट वो आप कर सकते हो मैनेज, राइट। जो टीयर टू सिटीज़ होती हैं वहाँ पर रेंट आपका बहुत ज़्यादा हाई नहीं होगा, वहाँ पर लिविंग कॉस्ट आपकी बहुत ज़्यादा हाई नहीं होगी एंड यू विल स्टिल बी एबल टू सेव समथिंग। बाकी अगर अपने आप पर काम करते रहे, अपस्किल करते रहे नेक्स्ट 4-5 साल, तो यू विल गेट दैट 50 लाख वाला पैकेज। मैंने चैनल पे इतनी सारी वीडियोस जो बनाई हुई हैं 2.5-40 या फिर 3-60, ये इसलिए बनाई हुई हैं ताकि यू गेट मोटिवेटेड, ताकि आप लोगों को ये लगे कि हाँ यार अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। अगर ये ऐसे बैकग्राउंड से थे, टीयर टू कॉलेज से थे, टीयर थ्री कॉलेज से, या फिर कॉलेज ही नहीं किया था, राइट, एंड इन्होंने किसी सर्विस बेस्ड कंपनी से लाइक स्टार्ट की थी अपनी जर्नी, प्रोडक्ट में चले गए, कैसे किया, क्यों किया, एंड अगर ये कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता। कोई अगर नॉन टेक वाला बैकग्राउंड से था, उन्होंने टेक क्रैक किया, कैसे किया। सो दीज पॉडकास्ट आर टू शो केयर ये भी पॉसिबल है, इट वॉज ऑलवेज टू शो केयर ये भी पॉसिबल है, अगर ये कर सकते तो आप भी कर लो। ये मोटिवेशन के लिए था, लोग उसको अलग ही डायरेक्शन में ले जाते हैं एंड इतने ज़्यादा फैंग के लोगोस यूज़ इसलिए किए जाते हैं बिकॉज सबसे ज़्यादा रिकॉग्नाइजेबल लोगोस हैं। अगर मैं कल को इंटीवेट का लोगो डाल दूंगा, वॉलमार्ट को लोगो डाल दूंगा, तो 90% ऑफ इंडियन जनता को पता ही नहीं होगा ये कौन सी कंपनीज हैं। यूट्यूब वर्क्स लाइक दैट, YouTube पे आप जब तक थंबनेल पे क्लिक नहीं कराओगे, अंदर कितना ही इन्फॉर्मेशनल कंटेंट दे दो, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, कोई देख ही नहीं पाएगा। सो इट हैज़ टू बी अट्रैक्टिव एंड टू अट्रैक्ट पीपल टू शो देम, टू गिव देम द नॉलेज दे शुड हेयर, दिस इज इम्पॉर्टेंट, राइट। एंड मैं तो कभी कह ही नहीं रहा भाई कि तुम्हें बस फैंग में ही जाना है, मैं तो इतनी वीडियोज़ बनाई है, मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि कोई भी कंपनी मिल रही है जहाँ पर वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा हो, जहाँ पर तुम्हें पे अच्छा मिल रहा हो एंड तुम्हें कुछ सीखने को मिल रहा हो, बस, राइट।
अपनी जो तुम्हारे ड्रीम्स है वो तुम ड्रीम्स पूरे कर पा रहे हो, फैमिली के ड्रीम्स पूरे कर पा रहे हो एंड खुद पे भी टाइम दे पा रहे हो, वही इंपॉर्टेंट है, तो उस पर ध्यान दो। ये फैंग ठीक है यार, मतलब अगर हो गया तो सही है, नहीं हुआ तो भी सही है, क्या फ़र्क पड़ता है, एट द एंड ऑफ द डे पैसे तो उतने ही दे रहे हैं वहाँ पे भी, कहीं और भी उतने ही देंगे तुम्हें, ऐसा बहुत ज़्यादा अब ह्यूज डिफरेंस तो नहीं रहा है, तो इसके पीछे भागना छोड़ो। मैं तो इसलिए यूज़ करता हूँ, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, अगर कोई टीयर थ्री सिटी में है, अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको पता ही नहीं है और कंपनीज के बारे में, बट उसको गूगल का लोगो ज़रूर पता होगा, उसको माइक्रोसॉफ्ट का लोगो ज़रूर पता होगा, फेसबुक का ज़रूर पता होगा, तो वो क्लिक कर सकता है, उसको समझ आया कि हाँ यार ये भी पॉसिबल है। बाकी यार डू चेकआउट algoprep.in अगर आपको अपनी कोडिंग जर्नी, प्रोग्रामिंग जर्नी स्टार्ट करनी है। इस वाली वीडियो के लिए यही था, बस इतना ही ध्यान रखना कि इट्स ऑलवेज अ मैराथन, इट्स नेवर अ स्प्रिंट, 100 मीटर्स की बात नहीं है, लॉन्ग टर्म करियर है, एंड मेहनत करते रहो, अपस्किल करते रहो, अभी नहीं हुआ तो कभी ना कभी हो जाएगा, एंड स्टार्टिंग समवेयर इज मोर इंपॉर्टेंट, पहुँच कहीं ना कहीं तुम जाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए।